सीएनबीसी आवाज पर। गुड आफ्टरनून टू यू, बताइए व्यू क्या है मार्केट पर आपका, अपने कल के ट्रेड्स को भी आप एक बार बताइए कैसे चल रहे हैं वो, और उसके बाद फिर नए ट्रेड्स भी दीजिए प्लीज। गुड आफ्टरनून हेमंत, तो पहले मैं 5 पॉइंट कहूंगा। पहली बात तो ये सर कि आपने देखा करंट अकाउंट का फर्स्ट टाइम इन मेनी ईयर सरप्लस आ गया है। ए बी, कोविड के केसेस इंडिया में अब डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे हैं, जो कल आपने पढ़ा होगा 70,000 आ गया। 3, नमस्कार दोस्तों, अगर आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करना चाहते हैं तो जुड़िए एंजल ब्रोकिंग के साथ, जहां आपका अकाउंट ओपनिंग में 1 भी रुपये नहीं लगता है। और दोस्तों, अगर आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई हमारी लिंक से अभी अकाउंट ओपन कराते हैं तो आपको 50 रुपये का कैशबैक हमारी तरफ से दिया जाएगा, जो आपके बैंक खाते में 24 से 48 घंटे के अंदर पहुँचा दिया जाएगा। तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पर क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन कराइए। 3 दिन आने वाले अक्टूबर के सबसे ज्यादा होंगे, क्योंकि हर आदमी दुकान में जाने के लिए वेट कर रहा है और आप मानेंगे नहीं कितना रश है। 4, आदित्यपुरी जो सबसे लार्जेस्ट बैंक है, वो कह रहे हैं आई एम एक्सट्रीमली बुलिश एंड द बैंक इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल, नंबर्स विल सरप्राइज ऑन द अपसाइड। और 5, इट इज अबाउट टाइम आई स्टार्टेड टू चेस द इंडियन मार्केट रादर देन लुक फॉर जो बाइडन एंड द इलेक्शन पोल्स। तो आई थिंक ये अक्टूबर ये बिलोंग्स टू इंडिया, और इंडिया में आपको दिग्गज शेयर लेने हैं, सबसे ज्यादा दिग्गज लेने पड़ेंगे बैंक्स, बिकॉज ये अंडर परफॉर्मेंस खत्म हो रही है। सोमवार को जो आना है सुप्रीम कोर्ट से वो सब प्राइस इन है, और मुझे लगता है शॉर्ट कवरिंग से 23,500-24,000 आपको इसी महीने में, अक्टूबर के महीने में दिख सकता है। तो कल के मेरे 2 पिक्स थे सर, NMDC और टाटा स्टील। टाटा स्टील एक्चुअली स्टॉप लॉस हो गया ऑन द टेक्निकल साइड, लेकिन अगर आप होल्ड करें आई थिंक स्टील प्राइसेस आर हेडेड अप एंड दिस इज अ टेक्निकल करेक्शन, बट अगर आप डिसिप्लिन रखते हैं तो दैट स्टॉप लॉस हो गया है। NMDC में बने रहिए, आई स्टिल हैव अ टारगेट ऑफ 95। अब आप कहें तो 2 बाइज है सर, दोनों बैंक से ओरिएंटेड। प्लीज बताइए। तो पहला सबसे बड़ा दिग्गज बैंक है सर HDFC बैंक इटसेल्फ, 1,074-75 चल रहा है, इसमें 1,047 का स्टॉप लॉस रखिए, 1,160-1,200 का टारगेट। और दूसरा भाई है सर जो आज की डेट में बिगेस्ट गेनर होएगा SBI लाइफ, क्योंकि यील्ड्स आर गोइंग टू फॉल, 8,812-14 का भाव है, 800 का स्टॉप लॉस रखिए, 900-920 का टारगेट। ओके, SBI लाइफ जरा प्लीज दो नोट कॉल्स रिट्रीट कर दीजिए स्क्रीन पे, करीब करीब 900 रुपये का लक्ष्य यहाँ पे, 798 का स्टॉप लॉस रखेंगे बसीन साहब यहाँ पे। और दूसरी कॉल अगर आप देखें जिसपे HDFC पर उन्होंने कमेंट भी किया, यहाँ पर करीब करीब 1155 का लक्ष्य रखना है और करीब 1047 का टारगेट। ये दोनों कॉल्स कल के लिए, और याद रखिएगा HDFC बैंक पे भी डिस्कशन भी हुआ था कुछ देर पहले, और ये स्टॉक अपने 200। नमस्कार दोस्तों, अगर आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करना चाहते हैं तो जुड़िए एंजल ब्रोकिंग के साथ, जहां आपका अकाउंट ओपनिंग में 1 भी रुपये नहीं लगता है। और दोस्तों, अगर आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई हमारी लिंक से अभी अकाउंट ओपन कराते हैं तो आपको 50 रुपये का कैशबैक हमारी तरफ से दिया जाएगा, जो आपके बैंक खाते में 24 से 48 घंटे के अंदर पहुँचा दिया जाएगा। तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पर क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन कराइए। 200 डीमा के ऊपर आया है, अगर आप बीते 1 घंटे में निफ्टी बैंक में पुलबैक दिख रहे हैं तो दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ HDFC बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक। बहुत बहुत शुक्रिया।